हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं इमर्सन की VFD के एरर कोड और फॉल्ट फाउंडिंग के बारे में। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब मेरे चैनल पे सारी की सारी वीडियोस आने वाली हैं जो एरर और फॉल्ट फाउंडिंग की हैं। एक बुक का लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अगर आपको नई VFD चाहिए तो। इमर्सन की VFD के जो टोटल इनपुट आउटपुट हैं, जो कंट्रोल का वायरिंग का है, उसको हम एक बारी समझ लेते हैं कि कौन सा किस काम में आता है। जैसे एक नंबर टर्मिनल जो है वो +24 वोल्ट DC इनपुट आउटपुट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से +24 वोल्ट मिलता है हमें, ठीक है, आउटपुट। और हम क्या कर सकते हैं, ये 100 mA तक का लोड ले सकता है, ठीक है। अब इसे एक्सटर्नली यूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज बाहर कई बार ज़्यादा लोड होता है तो DC अंडर वोल्टेज का एरर आना शुरू हो जाएगा इसका कंट्रोल सर्किट का, ठीक है। तो 1 जो है डिजिटल इनपुट का है, पहला वाला जो है ये रन इनेबल होता है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा वाला फॉरवर्ड रिवर्स के लिए है, अगर आप इस पर कनेक्ट करेंगे तो ये रिवर्स चलने लगेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है। और ये जो है P1 रेफरेंस और प्रेजेंट स्पीड, ये मल्टी स्पीड और दूसरी फंक्शनिंग के लिए है। 5 नंबर जो है ये है हमारा DC आउटपुट 10 वोल्ट निकालता है। 6 नंबर हमारा एनालॉग इनपुट है, हम इसको डिजिटल इनपुट भी प्रेफर कर सकते हैं। 7 नंबर जो है हमारा 0 वोल्ट है। 8 नंबर हमारा एनालॉग आउटपुट है, ठीक है, जो मोटर की स्पीड, जो फ्रीक्वेंसी है या स्पीड है, उसको 0 to 10 में आउटपुट निकालता है। 9 नंबर जो है हमारा कॉमन है, ठीक है, एनालॉग इनपुट के लिए, जैसे ये हम इनपुट और आउटपुट के लिए। और 10 नंबर जो है हमारा वो एनालॉग इनपुट 2 है, और हम इसको डिजिटल इनपुट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 11 नंबर हमारा एनालॉग आउटपुट है, जो मोटर का करंट देता है हमें, करंट कितना आ रहा है। STO जो है वो +24 वोल्ट DC कनेक्शन, इनबिट और रन परमिट, ये इसके लिए है। STO माइनस जो है 0 वोल्ट कनेक्शन के लिए, इनबिट और रन परमिट का। और 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारा आउटपुट कॉन्टैक्ट है, जो हमें देता है कि आपका जो आउटपुट है, सॉरी जो रिले है, इससे हमें जैसे ड्राइव रनिंग कंडीशन में है, हेल्दी है, फॉल्टी है, ये हमें इस तरह के आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये हमारे इस, अब हम इसको अकॉर्डिंगली जैसे हमें रिक्वायर्ड है हम ऐसे यूज कर सकते हैं। और मैं इसके बेसिक प्रोग्रामिंग की वीडियो भी बनाने वाला हूँ, अभी पहले सारे के सारे एरर की वीडियो आने वाली है, उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग की वीडियो आने वाली है कि प्रोग्रामिंग कैसे करें, पैरामीटर कैसे सेट करें। तो चलिए ठीक है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो अगर अच्छा लगा हो तो।